सक्षम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ राजेश मेहता जी मौजूद हैं, जो भाजपा के लिए भाजपा पार्टी से जुड़े हुए हैं, और जिस तरह से उनकी पत्नी कहा जो है वो नगर सेविका है वार्ड नंबर 70 से, लेकिन वो जिस तरह से दिन प्रतिदिन अपने कार्यों में लगे हुए, उनके कार्यों की बात की जाए, यहाँ की उनके वार्ड की जरूरतमंद लोगों में हर किसी तक पहुँचने की उनकी कोशिश है। इसी दौरान जब रमजान स्टार्ट हुआ, रमजान के दौरान किस प्रकार से बात करें राजेश मेहता जी, किस प्रकार उनकी मदद की, तो राजेश जी जिस तरह से हम पहले दिन से ही आपको देख रहे हैं, आप जिस तरह से पूरी दिल से आप काम कर रहे हैं, आपको देखा जाता है, आप खुद ही लोगों के बीच जाना, लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये नहीं कि आप दूसरों को ऑर्डर करते हैं, तो रमजान के दौरान किस प्रकार आप लोगों के बीच पहुंचे और उनकी किस प्रकार की आपकी सहायता हुई, क्योंकि उनका रमजान है और रमजान में लोग घर बैठे हैं, उनके पैसे की कमी होगी, तो वो अपना त्यौहार किस तरह से मना पाए, इस पर कितना ध्यान दिया आपने? जैसा कि आपने देखा होगा कि लॉकडाउन को होकर के आज 2 महीना पूरे होने जा रहे हैं और रमज़ान को भी एक दिन के बाद में पूरा उनका 1 महीना हो जाएगा, लेकिन हमने अपने पूरे वार्ड में जो भी रमज़ान के दौरान में जो भी हमारे पूरे मुस्लिम बांधव हैं उनके लिए भी हमने शाम के टाइम पर, सुबह के उनका खाना वो नहीं खा रहे हैं तो उनके लिए शाम को हमने फलाहार की भी व्यवस्था की है। करीब करीब हम रोज़ 1500 पैकेट फल के उनको देते हैं, और जो राशन है, मतलब आपने देखा कि हमने 2 महीने से जो राशन है, तो पहले हमने 10,000 किलो बटा दी, तो आज हमारा जो स्ट्रेंथ है आपने देख रहे हो, रोज़ हम 350-400 पैकेट एवरी डे हम अपने पूरे वार्ड में सभी जो ज़रूरतमंद हैं उनको सबको देते हैं। इसमें हिंदू बांधव है, मुस्लिम बांधव है, क्रिश्चियन बांधव है, सभी को एक समान दृष्टि से देखते हुए ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन रमज़ान का महीना है तो उनका खैन थोड़ा सा हम ज़्यादा रख रहे हैं, तो उनके लिए इस अनाज के साथ साथ में उनके घरों में हम फ्रूट्स के पैकेट्स भी शाम के टाइम पे जब उनका जब उनकी रोज़ा जब उनका होता है तब हम फ्रूट्स के पैकेट्स भी उनके साथ में खाने के साथ में फ्रूट्स के पैकेट्स भी हम बेचते हैं। और आपने देखा होगा जिस तरह से हम यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारे जो लोग यहाँ लगे हुए हैं पूरे आपने देखा होगा हाथों को पूरा एकदम मतलब पूरा ध्यान दे रहे हैं, जिस तरह से कोरोना महामारी फैली है तो उसका भी ध्यान, तो पूरा ध्यान देते हुए यहाँ पर हमारा पैकिंग का यूनिट चालू है। रोज़ यहाँ पर हम करीब करीब 350-400 लोगों का जो पैकेट होता है जिसके अंदर में शक्कर है, दाल है, आटा है, चावल है, तेल के पैकेट्स है, और वो पूरा एक अच्छा एक किट बना करके हम करीब करीब 10 किलो का एक किट उनको देते हैं कि कम से कम 10 से 12 15 दिन तक वो एक किट से वो काम चला सके, फिर ख़त्म होता फिर उनका हम ध्यान रखते हैं फिर उनको देते हैं। इस तरह से पूरा 2 महीने से हम लॉकडाउन के अंदर भी उनका जितना हो सकता है हमसे उतना हम ध्यान रख रहे हैं। और भी कोई सूचना आती है, कोई माइग्रेंट्स लोग हैं, बहुत लोग अभी भी गांव जाने वाले जो उत्तर भारतीय लोग हैं और भी बंगाल के लोग हैं उनको अभी तक कोई सुविधा नहीं होती तो वो भी हम करके दे रहे हैं। लेकिन तो राजेश जी जो पलायन की बात चल रही है, हर जगह से लोग पलायन कर रहे हैं, लोग जिस तरह से पद यात्रा कर रहे हैं इतनी लंबी लंबी दूरी, तो क्या यहाँ भी वार्ड से लोगों का पलायन चालू, अगर लोग जाने क्या उन्हें जाने की किस प्रकार आप सुविधा कर रहे हैं? एक्चुअली मैं लॉकडाउन जब से शुरू हुआ तो लेकिन कोरोना के अंदर में मुंबई के अंदर में जो एक भीषण रूप धारण कर लिया और 40,000 से 40,000 के ऊपर लोग अफेक्टेड हो गए हैं। कुछ इधर हमारे पास में कुकुर हॉस्पिटल है, यहाँ भी 20-25 मौतें लोग देख रहे हैं, तो एक लोगों के अंदर में डर सा स्वाभाविक बैठ गया, और उस डर की वजह से, मैं तो कहूँगा सिर्फ डर की वजह से लोग पलायन करना चालू कर गए। ना हम लोग उनको बता रहे हैं कि बाबा मुंबई ने आपको रोज़गार दिया है, मुंबई आपकी जन्मभूमि नहीं है लेकिन कर्म भूमि है, और उस कर्म भूमि के अंदर में कोई मुसीबत आ रही आपने भी साथ देना है, हम आपको साथ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मन में एक जिस तरह का डर है, तो अपने रिक्शे हैं, रिक्शे में अपने बाल बच्चों को बिठा के बोल रहे हैं कि हमको कोई भी कीमत में मुंबई में नहीं रहना है, हमको अगर बचना है तो हमको अपने नेटिव जाने दो, तो उनको लिए भी हम जो भी व्यवस्था हो सकती कर रहे हैं, लेकिन हम एक समझाने का उनको काफ़ी प्रयास किया लेकिन लोगों को समझने के प्रयास के परे था, और लोगों में इतना डर बैठ गया कि शायद डर के मारे भी कुछ लोग इसके अंदर मौत के मुंह में समा गए, तो कोई इसमें आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से डर उसमें इस तरह का एक जो कि इस तरह की बात भी आ रही थी कि लोग भूख की वजह से उनका भूख की वजह से उन्हें खाना नहीं मिल पा रहा है इसलिए शायद पलायन हो रहा है, लेकिन ये वजह नहीं, डर है। हाँ, हमारे वार्ड में तो मैं बोलूँगा कि 100% ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भूख से कोई पीड़ित रहा होगा। हमको सूचना मिलती है हमारे खुद वॉलंटियर से, हमारे कार्यकर्ता जाके उसके घर पर, कोई हमारे पास भी आने की जरूरत नहीं, हम जो राशन में कोई क्यों लगा कि हमने देते, घर घर राशन ये हमारी संकल्पना है और हम घर घर जाकर के सबको दे रहे हैं, और ऐसा कोई भी हमारे पास सूचना आती है कि बाबा इस फलाना बस्ती में फलाने लोगों को राशन नहीं मिला है, तो इमीडिएटली हमारे कार्यकर्ता जाकर उस पूरी बस्ती को कवर करते हैं। अगर वो 400 की बस्ती तो 400 को फूड पैकेट्स देते हैं, 400 को राशन देते हैं, इस तरह से हम पूरा
कि 2 महीने से लोगों की सेवा के अंदर काम कर रहे हैं। सुबह में 11:30 से लेकर के 1:30 बजे तक खाना हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है और शाम को 5:30 से लेकर 7:30 तक 3,000 लोगों को हम एवरीडे खाना देते हैं और 350-400 पैकेट फूड पैकेट इस तरह से पूरे वार्ड में 50,000 किलो राशन हमने अभी तक वितरित किया है। और ये भी निरंतर जब तक लॉकडाउन रहेगा, जब तक हमारी शक्ति रहेगी, तब तक हम लोगों के सहयोग के माध्यम से हमारे जो आमदार हैं परा गलौनी जी, पूनम महाजन जी, हमारे दूसरे क्षेत्र से आमदार अमित सातम जी, इन सबके सहयोग के साथ में हम इस और स्थानिक नगर सेविका सुनीता मेहता जी के साथ में हम पूरे 2 महीने से लोग लगातार हमारी 20-25 लोगों की टीम है, खाने वाटप में सैनिटाइजिंग के अंदर है इसके अंदर। लेकिन आजकल जो फ़ोन हमको ज़्यादा आ रहे हैं, एडमिशन्स के आ रहे हैं, हॉस्पिटल्स में भर्ती के आ रहे हैं कि हमारा एडमिशन्स नहीं हो रहा, भर्ती नहीं हो रही, दवाइयाँ नहीं मिल रही है, वो भी हमारे एक यूनिट हम उस तरफ भी लगा के रखे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा। अभी जब मैं बात कर रहा हूँ उसके 10 मिनट पहले मैं कुपर हॉस्पिटल में से आ रहा हूँ, एक पेशेंट बहुत सीरियस था, ब्रेथलेस था, 70 साल की लेडी थी, उसको एडमिट कराया और उनको जो दवाई वगैरह का प्रबंध था वो भी हमने सब करा। तो इस तरह के अभी जो विषय चल रहे हैं, तो ज़्यादा विषय वो रमज़ान का महीना है तो रमज़ान का भी एक विषय है, लेकिन लोगों को हॉस्पिटल का बहुत विषय है और हॉस्पिटल में एडमिशन्स नहीं मिल रहे। तो मेरी आपके इस चैनल के माध्यम से, आपका ये चैनल हमेशा लोगों के समस्याओं को उठाने ज्वलंत एक रूप लेता है, तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मेरा निवेदन रहेगा कि इस तरफ भी वो ध्यान दे करके लोगों को जिस तरह से परेशानियाँ हो रही हैं, एक तो कोरोना के पेशेंट को परेशानी हो रही है, लेकिन जो नॉर्मल पेशेंट्स है जिसको हड्डियाँ टूटी हुई है, जिसको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है, उनको भी वो पिछले 2 महीने से 1.5 महीने से उनको कोई भी इलाज नहीं मिल रहा है। तो ऐसे भी लोगों की तरफ मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से और हॉस्पिटल्स को भी, वो जिन्होंने कल ये घोषणा किया राजेश टोपे जी ने कि पूरे मुंबई और महाराष्ट्र के हॉस्पिटल्स उन्होंने अपने एक्वायर्ड किए हैं, एक बहुत सराहनीय कदम है, लेकिन उसके आगे भी जा कर के बहुत कुछ करने की आवश्यकता है जिससे हम लोगों के जीवन को बचाने में सफल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो पूरी टीम आपकी काम कर रही है, जो यहाँ पर एक योद्धा कहा जाए कि कोरोना योद्धा बनके जिस तरह से यहाँ पे इस महामारी के बीच काम कर रही, तो उनके उनका कितना ध्यान दिया जाता है कि वो लोगों के बीच जाते हैं, लोगों के बीच पहुँच रहे हैं, तो राजेश जी इस बात पे आप कितना ध्यान दे पाते कि उनके भी स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, वो भी एक केयरफुली होकर इस काम को कर पाए? मैंने इसके अंदर में आपके चैनल के माध्यम से केरला मॉडल अपनाया है, वहाँ पर विटामिन सी और विटामिन जेड की गोलियाँ देते थे। हमने अपने पूरे कार्यकर्ताओं को जो पिछले 2 महीने से काम कर रहे हैं उनको हमने विटामिन सी विटामिन जेड की गोलियाँ दी है। उसके बाद में आयुष मंत्रालय का जो काढ़ा है, हमारे ऑफिस में रोज़ कम से कम 5 लीटर काढ़ा बनता है, जिसमें वो ड्राई जिंजर होता है, काली मिरी होती है और सोप, जो भी उसका जो बनाने का जो तरीका है, तुलसी के पत्ते, वो सब डाल कर हम काढ़ा बनाते हैं और 2 टाइम पर इम्यून पावर को स्ट्रांग रखने के लिए वो भी देते हैं। तो अभी तक हमारे कम से कम इस पूरे सिस्टम में 50 कार्यकर्ता है, किसी को भी न तो सर्दी खांसी है, न कोई बुखार हुआ है, सबके सब एकदम फिट है और अच्छी तरह से। हम तो रोज़ के कुपर हॉस्पिटल में जा रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जा रहे हैं, लोगों के बीच इतना जा रहे हैं, राशन बांटने में इतने हमारे स्लम के अंदर जाते हैं, उसके बावजूद भी हमारे लोग, मतलब इसको मैं कह सकता हूँ कि भगवान की दया है कि हमारे कोई भी व्यक्ति को इस तरह की कोई बाधा नहीं हुई है। और मैं भी चाहूँगा कि सभी लोग जो आज इस कोरोना से जो ग्रस्त है वो भी अच्छे हो जाए, यही मेरी आपके माध्यम से अपील रहेगी। थैंक यू। आप ये जो खाना, ये जो लोगों तक राशन आप पहुँचा रहे हैं, तो इसकी पैकिंग आप खुद भी करने बैठ जाते हैं, ऐसी आपकी एक दो फोटो सामने आई है, तो किस प्रकार आप यहाँ पर ये काम किया लोगों तक पहुँचाने के साथ साथ आप इसे पैक करना और यहाँ के भी कार्य को पूरा आप देखते रहते हैं? नहीं, ये जो भी काम है, बगैर इसमें अगर आप अपने आप को झोंकोगे नहीं, उसमें अगर शामिल नहीं होगा तो ये काम होगा नहीं। कि 50,000 किलो राशन बांटना, पैकिंग करना, घर घर तक पहुंचाना, तो उसमें अगर जब तक आप स्वयं नहीं करोगे तब तक ये सिस्टम नहीं चलेगा, ना तो कॉलैप्स हो जाएगा। इसलिए मेरे को खुद को भी इस पूरे सिस्टम में रहता हूँ, हमारे कार्यकर्ता इस पूरे सिस्टम में रहते हैं और उनके सबके सहयोग से हम ये इस जो कार्य को अंजाम देते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि राजेश जी खाली एक बड़ी बड़ी बातें करना और एक दिखावा ना छोड़ करके वो इसमें भी अपने शामिल हो के खुद जो राशन पैकेट्स होते हैं वो खुद बैठते हैं, खुद पैक करते हैं, और जब उनके वार्ड में से किसी की भी कॉल आ रही है या फिर किसी तक राशन की ज़रूरत है तो हर किसी के पास, और वहीं अगर हम बात करें तो वार्ड के हर किसी के पास यहाँ से राशन पहुँच चुका है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी जिस प्रकार से यहाँ से डेली 250, 300, 400 पैकेट्स, अभी की बात करूँ मैं, अभी भी
डेली 400-300 लोगों के बीच में डेली इस तरह से जो आपको पैकेट्स में दिखाना चाहूँगी, ये पैकेट्स है राशन के पैकेट किट कहा जाए, ये किट तैयार की गई है, ये किट तैयार करके लोगों तक पहुँचाया जाता है। सुनीता मेहता जी जो यहाँ की नगर सेवक है वार्ड नंबर 70, तो राजेश मेहता जी इनसे पूरी कार्यशैली को देखते हैं, उनका पूरा ध्यान होता है कि किस प्रकार उन लोगों तक जो राशन पहुँचा रहे हैं वो कितना सही हो। और अगर हम क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी भी बहुत अच्छी तरीके से इनके दाल हो, जिस तरह से अभी इनकी किट हमेशा ही चेंज होती रही जो हमने स्टार्टिंग से देखा। अभी जो इनका एक मैं किट दिखाना चाहूँगी, अभी जो इनका किट है वो किट आप देख सकते हैं, इस किट में आपको चावल, दाल, चाय पत्ती, मतलब जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो आपको ज़रूरी है खाने के लिए, वो सभी को ध्यान देते हुए ये राशन पैकेट बनाया जाता है। वहीं जब मैं अगर राजेश जी को आपको दिखाना चाहूँगी, तो राजेश जी पूरे टाइम अगर वो सुबह घर से निकलते हैं तो पूरा वक्त वो देते हुए अपने कार्य में यहाँ पर कार्य करते हैं, रोगियों के बीच जाते हैं। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि वो पूरे वक्त को देते हुए, पूरा ध्यान देते हुए, इस बीच में अपनी पूरी कर्तव्य को निभाते हुए आप देख सकते हैं किस प्रकार वो यहाँ पर बैठकर, आप देख सकते हैं बैठकर जिस तरह से वो फूड पैक जो लोगों के बीच में राशन जा रहे हैं उसकी पैकिंग भी वो खुद बैठ के करते हैं लोगों के साथ। उनके मन में ये नहीं होता है कि हाँ मुझे सिर्फ लोगों को ऑर्डर करना है और लोग काम करें, वो खुद भी इसका अपना सहयोग करके, अपना साथ देकर, अपना वक्त देकर वो खुद भी बैठकर इस तरह से कार्य करते हैं और लोगों तक पहुँचाते हैं। इसीलिए हम कहेंगे कि कोरोना जैसे इस महामारी के बीच में एक योद्धा के रूप में ये कार्य कर रहे हैं, योद्धा बनकर काम कर रहे हैं कि कोई भी उनके वार्ड में भूखा ना रहे, कोई भी परेशान ना रहे इस लॉकडाउन के बीच। बस आप हमारे साथ यूँ ही बने रहिए, आगे और भी खबरों के लिए सहयोगी अविनाश के साथ मैं शालिनी सिंह, सक्षम न्यूज़ इंडिया, मुंबई।